जय छात्र सभी का स्वागत है जीएस जीके की सीरीज में। आज हम लोग जीएस जीके की एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। अगर आप लोग इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम लेकर बने रहेंगे, आज हम लोग उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे जहां से आपके परीक्षा में बार बार सवाल आते हैं। आप सभी साथी इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम के साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम सामान्य अध्ययन जीएस जीके विविध की वो सीरीज लेकर आए हैं जो आपके लिए परीक्षा में बार बार प्रश्न आते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर को खंगाल कर ये वही प्रश्न आए गए हैं जो सबसे ज्यादा अहम, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आप लोग भी इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला सवाल आपके बोर्ड आपके डिस्प्ले पर है, टाइम चल रही होगी, देखते हैं फटाफट अंदाज में आपको सवालों के जवाब देने हैं और फटाफट अंदाज में हम इन सभी प्रश्नों को पूरा पढ़ेंगे, मतलब इन सभी टॉपिकों को हम लोग पूरा पूरा अध्ययन करेंगे। तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले कॉमेंट करेंगे कि भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है, मीमांसा, चार्वाक, वैशेषिक, शांत। सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया, जितने भी साथी मित्र इस प्रश्न को देख रहे हैं उन सभी ने एकदम सही जवाब दिया है और आप सभी इस तरह से प्रश्नों के जवाब देते रहें और फटाफट अंदाज में आगे बढ़ते रहें। ये क्लास प्रतिदिन इसी समय आप सबके लिए लाइव चलेगी, यहाँ पर होगा सांख्य। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर सांख्य बताया है तो यहाँ पर इस प्रश्न के जवाब पूरी तरह से सही, मतलब जितने लोगों ने इस प्रश्न का जवाब सांख्य बताया है उन लोग के जवाब पूरी तरह से सही है। ठीक है, हम बढ़ते इसी के साथ एक नए प्रश्न, एक नए सवालों की तरफ। अगला है सत्यमेव जयते कहां से लेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही यूनिक प्रश्न है, माने एवरग्रीन प्रश्न है जहां सबके परीक्षा में खूब सारे सवाल झोला भर भर के पूछे जाते हैं। तो सभी साथी फटाफट अंदाज में जवाब देंगे कि सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया, भगवद गीता, ऋग्वेद, मनुस्मृति, मुंडक उपनिषद। एकदम सही जवाब हम लोगों ने दिया है यहाँ पर, मुंडक उपनिषद। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऊपर वाले का भी डी और यहाँ का भी इस प्रश्न का उत्तर है डी। इसकी पीडीएफ क्लास खत्म होने के बाद आपको इलेनी विद दुर्गेश के टेलीग्राम पर और इलेनी विद दुर्गेश के ऐप पर मिल जाएगी। अगला सवाल है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप पूरी तरह से पढ़े रहेंगे प्रश्न को तभी ऐसे प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे। अगर आप चाहें कि थोड़ा सा अगर आप पढ़ ले, थोड़ा सा ज्ञान अर्जित कर ले और आप प्रश्न को दे ले उत्तर, तो शायद आपके लिए काफी मुश्किल और अहम होगा। इसलिए इस प्रश्न को भली भांति पढ़िएगा। ध्यान दीजिएगा, तीन सत्य है और एक असत्य है, तो आपको यहाँ पर आज वही बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो सभी साथी फटाफट अंदाज में जवाब देंगे, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा जितने भी साथी मित्र इस प्रश्न को हमारे साथ पढ़ रहे हैं। जी हाँ, एकदम सही आप लोगों ने इस बार जवाब दिया है कि मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे, व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में था और नगरों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर, प्रश्न नंबर तीन की बात करें तो यहाँ पर देखिए मातृ देवी की उपासना की जाती थी, एकदम सही है, वे लोग लोहे से परिचित थे। ध्यान दीजिएगा यह एकदम रट लीजिएगा, बहुत बार प्रश्न आया, कूट वाले सवाल खूब पूछे जाते हैं। व्यापार और वाणिज्य में उन्नत दशा थी, एकदम सही है, नगरों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। मतलब इस प्रश्न का उत्तर जो गलत है वही आपका यहाँ पर सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा बी, माने जो गलत है वही यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर चार की तरफ बढ़ते हैं, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से संबंध है, गीता, जैन, वेदांत, बौद्ध। अगर देखा जाए तो ये आपके जो प्रश्न बैंक है ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर तैयार किया गया है जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी साथी मित्र ठीक है, सभी साथी मित्र इस प्रश्न के जवाब जरूर देंगे। सभी लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट अंदाज में आप सब जवाब देंगे, जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। चलिए ध्यान से देखते हैं, अगर इस प्रश्न के उत्तर की तरफ बढ़े तो आप इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बौद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा प्राचीन इतिहास के प्रश्न है ये, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा डी, माने संसार अस्थिर और क्षणिक है, ये संबंध है बौद्ध धर्म से, किससे है बौद्ध धर्म से। हम बढ़ रहे फिर से आपके सामने एक नए प्रश्न की तरफ। अगला है तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है, गीता, महाभास, महाभारत, अष्टाध्यायी। एकदम सही जवाब दीजिएगा, अष्टाध्यायी में ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया है, महाभास में कहा नहीं गया है। दो प्रश्न है, दो विकल्प आपके पास बनते हैं, गीता और महाभारत। और हम चाहेंगे जितने भी साथी मित्र इस प्रश्न को पढ़ रहे हैं, जितने भी साथी मित्र इस प्रश्न को देख रहे हैं, वे सभी साथी कॉमेंट सेक्शन में जाएंगे और कॉमेंट करके जवाब जरूर देंगे सभी साथी, क्योंकि अभी की बार सिलेक्शन हमार, मतलब इस नौकरी के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, तो सभी प्रश्नों के जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा सभी साथी मित्र, उसमें बार बार ये कहूंगा। ठीक है, सभी लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें, सभी साथी फटाफट अंदाज में जवाब देंगे इसके। चलिए अगर आप जवाब नहीं देंगे तो हम आपके साथ इन प्रश्नों को लेकर चलेंगे। जी हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, प्रश्न नंबर पांच की बात करें तो यहाँ पर होगा गीता, एकदम सही जवाब आप लोगों ने दिया। अगला है सुमेलित कीजिए। अब देखिए कूट वाले सवाल आपके सामने आ गए, मिलान करने वाले सवाल आपके सामने आ गए, तो सभी को जवाब देना है क्योंकि ये मानी परीक्षा के अंदर बैठे। पाणिनी, वात्स्यायन, चाणक्य, कल्लण, एकदम रख लीजिएगा, बहुत ही यूनिक सवाल है। अगर पाणिनी की बात करें तो अष्टाध्यायी एकदम रख लीजिएगा, अगर वात्स्यायन की बात करें तो यहाँ इनका काम सूत्र है, ये बहुत ही यूनिक है, अगर हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में सवाल आते हैं। अगर चाणक्य की बात करें तो अर्थशास्त्र इनका बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया। कल्हड़ की राजतरंगिणी, अच्छा पूछा जाता है राजतरंगिणी के विषय में क्या वर्णित है, मतलब राजतरंगिणी में क्या है, अच्छा इसमें क्या है, राजतरंगिणी में क्या है, अष्टाध्यायी में क्या है,
अर्थशास्त्र में क्या है, क्या अर्थशास्त्र में वास्तव में उस समय के अर्थशास्त्र का वर्णन किया गया है? इसको सभी साथी, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी साथी जवाब जरूर देंगे, और हो सके इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को पहुंचाते रहिएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो को फेसबुक पर देखना शेयर करिएगा, यूट्यूब पर देखना शेयर करिएगा, लेकिन लोगों तक पहुंचाते रहिएगा। अगला है आपके सामने, अधोलिखित में कौन सा गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? यह इतिहास के सवाल है, और उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को भी आप लोग भली भांति जान रहे होंगे। इस प्रश्न का भी जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर देंगे। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर करते रहिएगा, लोगों तक पहुंचाते रहेगा, क्योंकि आपका काम है लोगों तक पहुंचाते रहना। देखिए, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा की अगर हम बात करें, इस प्रश्न का उत्तर होगा पण, कौड़ी, निस्क, दिनार। यहां पर क्या होगा? दिनार। अच्छा, मेरा सवाल है किन देशों की मुद्रा दिनार है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी, किन देशों की मुद्रा दिनार है। प्रश्न से प्रश्न को जोड़ते हुए चले, ठीक है जी। कश्मीर का वर्डन है, राजतरंगड़ी में एकदम सही जवाब आया है। अगला प्रश्न है, अंकोरवाट का मंदिर कहां पर? बहुत ही यूनिक सवाल है, मतलब अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो ये एकदम रट लीजिएगा कि जो अंकोरवाट का मंदिर है वो किससे संबंधित है। सभी साथी जवाब देंगे फटाफट अंदाज में। कंबोडिया, सुमात्रा, जावा, चंपा। प्रश्न नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या होगा? कंबोडिया। एकदम सही जवाब आप लोगों का है ए। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का था? अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब हमला किया था? एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही मतलब प्रश्न पूछा जाने वाला सवाल है कि मोहम्मद बिन कासिम तुर्क, अफगान, अरब, तुर्क, मंगोल। तो बताइए सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे पास साथ पढ़ रहे हैं, जितने भी साथी हमारे साथ वीडियो को देख रहे हैं, वे जवाब जरूर देंगे। हो सकता है आपका गलत हो, सही हो, लेकिन जवाब जरूर आना चाहिए, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं हमारा भी आपका कभी कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होता है। हायर आप मेहनत से पढ़ रहे हैं और सिलेक्शन की तरफ दिन प्रतिदिन आगे भी बढ़ रहे हैं। जी हाँ, प्रश्न नंबर 9 एकदम सही जवाब लोगों दिया था, ये अरब का था। अच्छा, इन्होंने भारत पर हमला कब किया था, और मोहम्मद बिन कासिम का भारत में हमला करने के बाद या आने के बाद भारत की उस समय की स्थिति का वर्णन करना हो तो आप क्या वर्णन करेंगे? सभी लोग जरूर बताइएगा। जी हाँ, हम बढ़ते हैं फिर से अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, अच्छा यहाँ पे मैंने प्रश्न का उत्तर नहीं बताया था ना, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए होगा। जी हाँ, किसी ने कमेंट किया है। अगला है आपके सामने, शेरशाह सूरी का मकबरा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा सवाल यह है कि शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? जी हाँ, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी लोग जवाब जरूर देंगे। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी साथी फटाफट कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जवाब दें। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी साथी कमेंट करें। शेरशाह सूरी, प्रश्न नंबर 10 का जवाब एकदम सही दिया है आपने, सासाराम में। सासाराम वर्तमान समय किस राज्य में है? शेरशाह सूरी की मृत्यु कैसे हुई थी? जिस युद्ध में शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी वह युद्ध कौन जीता था? इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं बार बार आपसे कहूंगा कि हम, ठीक है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? बहुत इंपॉर्टेंट है, मानिए ऐसे प्रश्न है जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहते हैं, ऐसे प्रश्न है जो बहुत ज्यादा आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, और हम चाहेंगे जो भी प्रश्न बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं या बहुतायत पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को आपको कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जवाब भी देते रहना है। जी हाँ, इसी के साथ हम बढ़ते हैं और आगे। जी हाँ, प्रश्न नंबर 11 एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया, चोट, ठीक है, सी वाला जवाब सही है। अगला सवाल आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूनिक सवाल है, शायद आपको छोटा दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया, अब आपको साफ एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि लाल कुर्ती दल संगठित क्या था? ये बहुत बार अगर प्रीवियस पेपर आपने खंगाला होगा ना, तो इसका जवाब झोला भर भर के आपको पता होगा कि लाल कुर्ती दल संगठित किसने किया था, किया गया था। प्रश्न नंबर 12 का जवाब सभी लोग दीजिएगा, अंग्रेजों को निकालने के लिए पाकिस्तान का सृजन निश्चित करने की, जी नहीं, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास है उसमें पाकिस्तान था ही नहीं, स्वतंत्र पाकिस्तान पाकिस्तान के लिए भी नहीं है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के साम्यवादी देश के लिए भी नहीं है। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए, मतलब अंग्रेजों को निकालने के लिए, एकदम सही जवाब लोगों ने दिया है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, क्योंकि देखिए प्रश्न बैंक ज्यादा और हमें तेजी से पढ़ना है, फटाफट अंदाज में प्रश्नों को पढ़ना है। निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? देखिए टेलीग्राम पर सभी साथी दुर्गेश सर सर्च करके जुड़े रहेंगे, डेली क्लास की पीडीएफ, और जैसे ही क्लास खत्म होगा इसकी भी पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी। आप जवाब दीजिएगा कि गांधी जी का रामराज्य युगल सिद्धांत कौन से थे? सभी साथी जवाब देंगे, जितने भी साथी हमारे साथ इस सेशन को पढ़ रहे हैं, ठीक है, सभी लोग जवाब दीजिएगा फटाफट कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अभी की बार सभी को सिलेक्शन लेना है, और जब सिलेक्शन लेना है तो भैया सबको जवाब भी देते रहना होगा। सभी लोग फटाफट अंदाज में जवाब देते रहिए। देखिए, अगर आप जवाब देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना कि हाँ यार आप सब पढ़ रहे हैं। चलिए, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं, यहाँ पे एकदम सही आप लोगों ने बताया है, कमेंट सब क्या आ रहे हैं, सत्य और अहिंसा, मतलब सी वाला जवाब यहाँ पे सही है।
हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला है आपके सामने, लाला लाजपत राय घायल हुए थे। ये इसमें प्रश्न बैंक काफी बड़ा है और इसलिए हम लोग को थोड़ा सा तेजी से पढ़ना पड़ेगा फटाफट अंदाज में। लाला लाजपत राय घायल हुए थे तो सभी लोग बताइएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय लाठीचार्ज में, रलक एक्ट के विरोध में लाठीचार्ज में, साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विरोध में लाठीचार्ज। मतलब आपको तो ये पता होगा लाठीचार्ज, ये तो पता होगा आपको कि भाई लाठीचार्ज में घायल हुए थे और बाद में चलकर उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन अब यहां पर आपको बताना होगा किस समय। ठीक है, यहां पर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज करते हुए। साइमन कमीशन, अब मेरा सवाल आपसे आता है कि साइमन कमीशन क्या है। मतलब जितने प्रश्न आपके पास आते हैं इन सबके प्रश्नों को खंगालना है हमारे साथ, और इलर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में तो आपको सब मिल जाएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया, साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया, इन सभी प्रश्नों के जवाब हो सके तो मेरे साथ साथ कॉपी पे नोट डाउन करते चलेगा। जो भी मैं प्रश्न के साथ प्रश्न बोल रहा हूँ, बाद में हम इसकी विस्तृत जो प्रश्न की व्याख्या वाली वो भी सीरीज वैकल्पिक रूप में लाएंगे। 1932 में पूना एक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष थे अमृतलाल ठक्कर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, घनश्याम दास बिरला, बाबू जगजीवन राम। कहीं ना कहीं चारों विकल्पों को आपने पढ़ा होगा, जाना होगा, लेकिन मैं चाहूंगा इस प्रश्न का जवाब सभी साथी जवाब दें और वीडियो को सभी मित्रों को पहुंचाते रहें। जी हाँ, काफी लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया है। यहां पर क्या होगा, घनश्याम बिरला दास। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सी। बहुत ही सही जवाब लोगों ने दिया है कि 1932 में जो पूना एक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी उसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला जी थे। हम आगे बढ़ रहे हैं नए सवाल की तरफ जो आपके सामने है, शायद आपको भी दिखाई दे रहा होगा, मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। आगे कह रहा है कौन सा युग्म सही नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब पूछा जाता है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, सभी लोग बताइए फटाफट, देखिए ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग, सभी को नमस्ते। जी हाँ, आप इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड विलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध सही है, ये विकल्प सही है, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, एक्टर मोनरो बक्सर युद्ध, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस का तृतीय मराठा युद्ध यहाँ पे गलत है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए। माने जो गलत है वही यहाँ पर आपका सही होगा। आपने एकदम कमेंट करके सही जवाब दिया है, मतलब यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, यही आपका गलत है, और जो गलत है वही यहाँ पर सही है। अगला सवाल है आपके सामने, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहां पर लागू किया। देखिए आधुनिक भारत के इतिहास से खूब सारे सवाल आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और आधुनिक भारत के इतिहास, जब आप इलर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स पढ़ेंगे तो आपने भी देखा वहां पर भी सबसे ज्यादा जो आपको मिलेगी वो आधुनिक भारत के इतिहास से फोकस आपको करना, अगर आपको सिलेक्शन लेना है आधुनिक भारत के इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये एकदम अहम इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है। तो प्रश्न नंबर 70 के जवाब सभी साथी को देना है। देखिए अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहां पर लागू किया था, बंबई, मद्रास, मद्रास से मुंबई, बंगाल। अगर ये लिखित में आएगा प्रश्न, अगर ये मुख्य परीक्षा में पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि अंग्रेजों ने भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत क्यों की थी। इसका सलोचनात्मक आलोचनात्मक दोनों पक्ष आपको रखने के लिए कह सकता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसी, मतलब इस सवाल का उत्तर जो होगा वो आपका सी होगा। आपने भी अगर इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है तो जवाब सही है। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, और सभी लोग सभी प्रश्न के जवाब दिया करिए कमेंट करके। जी हाँ, अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। आपने भी देखा होगा, आपके पत्र पत्रिकाएं पुस्तक भी आपके सिलेबस में है। पत्र पत्रिकाएं जो ज्यादातर सवाल आते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से आते हैं, हेनरी कोलब्रुक, चार्ल्स विल्कंस, सर विलियम जोन्स, योहान वुल्फोंग फॉनगेटे। कुछ लोग कहते हैं सर आपकी सेशन बहुत सरल है, ये प्रश्न बैंक बहुत सरल लाए हैं, लेकिन मैं आपसे बार बार कहूंगा इन प्रश्नों की सीरीजों में अंत तक आप लोग बने चल रहिएगा। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा सर विलियम जोन्स, मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका सी। कामनी व्हील पत्र किससे जुड़ा, देखिए मैंने अभी बताया ना, पत्र पत्रिका साहित्य पुस्तकें ये भी, उपन्यास ये भी आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पर है कॉमन व्हील पत्र किससे जुड़ा है, जी के गोखले का पूरा नाम क्या है, वीजी तिलक, वीजी का फुल फॉर्म क्या है। मतलब देखिए बहुत बार क्या होगा ना, ऐसे भी टॉपिक आपके सामने आएंगे जो आपको लगेगा सर इसका उत्तर क्या होगा। एनी बेसेंट, महात्मा गांधी। 19 का जवाब आप लोगों ने एकदम सही दिया है, एनी बेसेंट। मेरा सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। दूसरा सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली महिला अध्यक्ष को चुना गया था। इन दोनों का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा, हो सकता आने वाले पेपर में यह प्रश्न आपके सामने छपकर मिल जाए। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ।
किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। जी के गोखले का फुल फॉर्म मैंने बताया, गोपाल कृष्ण गोखले, एकदम सही जवाब दिया है। मोतीलाल नेहरू, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, JL नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, तिलक और गांधी। तो बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी। फटाफट अंदाज हम लोग पढ़ रहे हैं, नीचे आपको टाइमिंग भी चल रही होगी। अगला है आपके सामने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज दूंगी, प्रसिद्ध नारा किसका है? अरे रट लीजिए तो किसी का गलत नहीं होगा, सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मेरा आपसे सवाल है, फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध किससे है? जी हाँ, प्रिया जी ने सही जवाब दिया है और कई लोगों ने सही जवाब दिया है। अनुप जी ने, आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। जिया तरंग आंदोलन का आयोजन हुआ था। कुछ लोग कह रहे होंगे सर जिया तरंग तो मैंने पहली बार सुना है, लेकिन आपको जवाब देना होगा कि जिया तरंग आंदोलन का आयोजन हुआ था असम में, नागालैंड में, मिजोरम में, मणिपुर में। प्रश्न नंबर 22 का जवाब सभी साथी मित्र को देना है। जी हाँ, जिया तरंग आंदोलन का जो आयोजन हुआ था यह आपके मणिपुर में हुआ था। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर डी मणिपुर दिया है ना, तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे हैं नए सवाल की तरफ। आपके सामने एक प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, अभी जस्ट मैं बात कर रहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों का, तो आप याद करिएगा कि बड़ी परीक्षाओं में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए ना, वहां से सवाल तो पूछे पूछे जाते हैं। जब भी हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं, जब भी आधुनिक भारत के इतिहास की बात करते हैं, जी हाँ, फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध सुभाष चंद्र बोस जी से था। यहाँ पे है, फैजपुर अधिवेशन 1937, लाहौर अधिवेशन 1929, लखनऊ अधिवेशन 1916, कराची अधिवेशन 1900। यहाँ पर कुछ ऐसी मांगे हैं जो किस अधिवेशन में थी, उनका क्या करना है, यहाँ पे जोड़ा मिलाना है। यहाँ पर आपको संबंध सभी लोगों ने एकदम सही बताया। देखिए, फैजपुर अधिवेशन, लाहौर का जो अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। इसी नाते भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, पूर्ण स्वराज की संकल्पना के कारण। अगर हम बात करें लखनऊ अधिवेशन का, तो जो लखनऊ अधिवेशन है, यहाँ कांग्रेस लीग का गठबंधन हुआ था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार के परीक्षा में आ चुका है। कराची अधिवेशन 1931 में, जो कराची अधिवेशन 1931 हुआ था, यहाँ पे मौलिक अधिकारों का अंगीकरण किया गया था। और फैजपुर अधिवेशन 1937 में जो हुआ था, यहाँ पे पूर्ण लोकतंत्र की बात कही गई थी। मतलब इस सवाल का जो सही विकल्प होगा वो आपके सामने ए होगा। जरा कमेंट करिएगा, आप लोग को सबको समझ में आ रहा है ना मेरी बात? कुछ लोग कह रहे हैं बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, देखिए, लेकिन सभी लोग जवाब दीजिएगा कि आवाज मेरी आप तक पहुंच रही है ना। अगला है, निम्नलिखित में से अवध के किस नवाब को मुगल सम्राट का वजीर नियुक्त किया गया था? सफदरजंग, सादत खान, शुजाउद्दौला, आसिफुद्दौला। प्रश्न नंबर 24 के सभी साथी जवाब जरूर देंगे। सफदरजंग इसका ए राइट आंसर होगा। निम्न भारतीय राज्यों में कौन सा रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है? झारखंड, असम, कर्नाटक, तमिलनाडु। निम्न रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है, सभी साथी जवाब देंगे इसका, झारखंड, असम, कर्नाटक, तमिलनाडु। एकदम सही आपने जवाब दिया है, कर्नाटक वालों का जवाब पूरी तरह से यहां पर सही है। अगला है, निम्न वाक्यों में कौन सा सत्य, माने चार कथन में एक ही सत्य, तीन असत्य है, तो सबको यहां पे जवाब देना है। देखिए, पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती है। देखिए, भारत का भूगोल है ये, और भारत के भूगोल में आपके मानचित्र से सवाल है, मतलब इसका ये सही जवाब है। अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है, सही है, मतलब ये गलत है, ये भी गलत है, माने पंजाब राज्य सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती, ये गलत है, मतलब ये गलत है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है। लखनऊ सर करेगा व्यवस्थित, ये भी गलत है, मतलब ये तीनों गलत है। अब हम बात करते हैं, यहां पर मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है, यह आपका सही है। अगर आपको मानचित्र याद होगा तो आप इस प्रश्न का जवाब आसानी से दे लेते, माने मध्य प्रदेश राज्य की जो सीमा है वो 7 राज्यों से स्पर्श करती है, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। साथ ही साथ एक विदेश मतलब अन्य देश की सीमा को भी साझा करती है, अर्थात नेपाल को साझा करती है। लेकिन यहां पर मेरा सवाल आपसे है कि मध्य प्रदेश की सीमा भारत के किन किन राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है? जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, वे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि मध्य प्रदेश की सीमा भारत के किन किन राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। हम बढ़ते हैं फिर से नए प्रश्न की तरफ। भारतीय मानक समय
निम्नलिखित स्थानों के समीप है? वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर। अब देखिए, अगर वाराणसी तो है नहीं, वैसे मिर्जापुर भी सही है, भदोही भी सही है, नैनी भी सही है, लेकिन अगर इन तीनों को विकल्प में दिया जाए तो सबसे सही उत्तर जो होगा वो आपका सी होगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे सही उत्तर क्या होगा? सी होगा, अगर तीनों सही है। अच्छा, मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से स्पर्श करती है, मतलब यहाँ पे चारों गलत हैं। अगर यहाँ पे बात करी जाए तो चारों गलत हैं, ठीक है? बताइए एक बार आप लोग, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। जी यहाँ 5 राज्य से लगी, मतलब यहाँ चारों हैं। अगर देखा जाए तो 5 राज्य हैं, दक्षिण में महाराष्ट्र और गुजरात से घिरा है, फिर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, 5 राज्य। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए प्रश्न के चारों विकल्प गलत है, यहाँ पे इस प्रश्न के चारों विकल्प ही गलत है। जी हाँ, मतलब यहाँ पर अगर हम देखें प्रश्न नंबर 26, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। यूपी की बात किया जाए तो यूपी की है 8+1, ठीक है? देखिए, मैंने आपको यहां पे बताया मिर्जापुर भी सही है, भदोही भी सही है, लेकिन अगर इस प्रश्न में तीनों विकल्प दिया जाए तो हम नैनी प्रयागराज लगाते हैं, ठीक है? तो यहां पर अगर हम देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर अगर देखा जाए पंजाब की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती, ये तो सीधा सीधा गलत हो गया। तो हम बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इस प्रश्न का विकल्प अगर देखा जाए तो यह प्रश्न ही विवादित है, मतलब इस प्रश्न को हम लोग स्टार लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। गुजरात, छत्तीसगढ़, यूपी, महाराष्ट्र और राजस्थान। हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ, मतलब चारों विकल्प यहाँ पे गलत हैं। अगला है सियाचिन ग्लेशियर का विवाद का विषय है भारत चीन, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे। सियाचिन ग्लेशियर का विवाद का विषय है भारत चीन के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच, भारत बांग्लादेश के बीच, भारत नेपाल के बीच। हाँ, कॉमेंट करके बताइएगा। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन का विवाद है, ये ग्लेशियर है। मध्य प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी राज्य है? गेहूं, गन्ना, आलू, सोयाबीन। ये बहुत बार आपका सवाल पूछा जा चुका है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा सोयाबीन। सोयाबीन में उत्पादन में यमपी का अग्रणी राज्य है, मतलब इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। आलू में, गेहूं में, गन्ना में, कमेंट करके बताइएगा तीनों में कौन सा राज्य अग्रणी है। गन्ना में आपको पता है यूपी, गेहूं में यूपी, आलू में कौन सा राज्य अग्रणी है, ये मेरा आपसे सवाल है। ठीक है, हाँ, पंजाब राज्य की सीमा कहीं। चलिए, अगला है आपके सामने, किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? सभी लोग जरूर बताइएगा, गंगा, यमुना, भागीरथी, अलकनंदा। तो यहाँ पे प्रश्न का उत्तर होगा डी, अलकनंदा। डी, वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं। ये यूपी स्पेशल का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल का। ये आपको लर्निंग दुर्गेश के नोट्स में मिल जाएंगे, तो सभी लोग फटाफट बताइए जितने भी लोग। यहाँ पे ये सवाल का होगा, पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती, मिलती है, मतलब ये भी असत्य है, मैंने चारों कथन ही असत्य है। अब बताइए आप लोग यहां पर इस प्रश्न का उत्तर कि वायु प्रदूषण से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं मथुरा और आगरा, ये दोनों आसपास हैं, मथुरा और आगरा। हम बढ़ते हैं फिर से नए प्रश्न की तरफ। अगला है जारवा जनजाति कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट, जारवा जनजाति बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो हम चाहेंगे आप जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वे सभी साथी फटाफट जवाब दें कि जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है। लक्षद्वीप समूह में, दादर और नगर हवेली में, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में, कर्नाटक में। 32 का जवाब सभी लोग दीजिएगा। देखिए, जारवा जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। सी वालों के जवाब आपके पूरी तरह से सही है। अगला सवाल है कि विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था कौन सी है? यमुना नहर, शारदा नहर, ऊपरी गंगा, गंगा नहर। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो गंगा नहर। विश्व की सबसे पुरानी विकसित नहर व्यवस्था कौन सी है? गंगा नहर। मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर डी दिया है तो आप सबके जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ जो आपके सामने है। अब इस पेज पर आपको तीन बड़े सवाल दिख रहे होंगे। किस जिले में, उत्तर प्रदेश में, मार मृदा पाई जाती है?
ये यूपी स्पेशल का सवाल है, अगर आप यूपी स्पेशल पढ़ रहे होंगे और इलानी दुर्गेश के यूट्यूब चैनल पर यूपी के जीके जीएस की पूरी सीरीज उपलब्ध होगी जो निःशुल्क है, और सारी क्लासेज हमारी निःशुल्क होती है आपके। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, झांसी, कानपुर। प्रश्न नंबर 34 की बात करें तो यहाँ पर मारे मृदा की बात करें तो झांसी इसका सही जवाब है। भू प्रपटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है, सिलिकॉन, लोहा, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भू प्रपटी, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, ऑक्सीजन। यहाँ पर सी है, यहाँ पर आपका डी। ये सारे प्रश्न जो हम आपके साथ पढ़ रहे हैं, ये सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ये जो प्रश्न है आपके सामने, जो सीरीज हम आप पढ़ रहे हैं ना, ये अब भूगोल यहां से शुरू हो गया है। कौन सा एक ग्लोब पर बृहत नहीं है, बृहत्तर वृत्त नहीं है? हम चाहेंगे प्रश्न नंबर 36 का जवाब ये सभी साथी देखें, जो इसे फेसबुक पे, जो इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, सभी लोग जवाब जरूर देंगे। सभी साथी जवाब दीजिएगा। देखिए, विषुवत रेखा सबसे बृहत है, मुख्य देशांतर भी है, 60 अंश पूर्वी देशांतर रेखा और 60 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा। देखिए, अगर मैं इन दोनों की बात करूं प्रश्न नंबर 36 का, तो 36 में ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पे ध्यान से एकदम देखिएगा, जैसे 60 अंश पूर्वी देशांतर रेखा, तो यहां से अगर मैं देखूं ये हो गया आपका विकल्प बी, और अगर मैं देखूं 60 इंच उत्तरी अक्षांश रेखा, तो ये देखिए ये हो गई आपकी विकल्प ए। अब ए और बी बताइए कौन सी बड़ी है? ये देखिए पूरी बड़ी रेखा है और ये इतनी है, तो यहां पर देखा जाए तो ये भी बड़ी हो गई। सबसे छोटी जो होगी विकल्प में हिसाब से बृहत्तर वृत्त में कौन सा नहीं है, तो 60 इंच उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, क्योंकि जो जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो अक्षांश रेखा की लंबाई छोटी होती जाती है। ये मैंने पढ़ाया है थियोरी में, और अगर आपने पढ़ा होगा या नोट्स में पढ़ा होगा तो आपको ये पूरी तरह से याद होगा। जो जो हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं उसकी अक्षांश रेखा की लंबाई कम होती जाती है और ध्रुवों पर जाकर एक बिंदु के रूप में हो जाती है। इसलिए 60 अंश पूरी देशांतर रेखा जो पूरी एक लाइन होगी जो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली अर्धवृत्ताकार काल्पनिक रेखा होता है, उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर जो विकल्प की हम बात करें तो ए होगा। उम्मीद करते हैं आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो फिर से कमेंट करिएगा, हम आपको इस प्रश्न को समझाएंगे और इसका जवाब भी देंगे। अगला है आपके सामने, विश्व में एल्युमिनियम का शीर्ष उत्पादक देश है, भारत, अमेरिका, चीन, रूस। सभी लोग जवाब दीजिएगा चीन। विश्व में मदिरा शराब का बृहत्तम उत्पादक देश है, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इटली। 38,000 शब्द। देखिए मदिरा शराब वही बनता है, मदिरा जानते हैं ये रसीले चीजें से बनता है, रसीले फल से बनता है, तो रसीले फल कहां मिलते हैं? तो इसका एक दिमाग में कॉन्सेप्ट बना के रखिएगा, जहां पे भूमध्य सागर होगा, भूमध्य सागर के आसपास, भूमध्य सागर के पास। अब याद करिएगा विश्व का मानचित्र कि भूमध्य सागर के पास कौन सा निम्नलिखित में से देश है, तो भूमध्य सागर के पास अगर हम देश की बात करें तो यहां पर क्या है? चीन नहीं है ना अमेरिका है, ठीक है, क्योंकि ये दो महाद्वीपों के बीच में, यूरोप और अफ्रीका। तो यूरोप और अफ्रीका के देश की बात करें तो ब्रिटेन और इटली आता है। ब्रिटेन इटली में देखा जाए कि भूमध्य सागर के पास क्या है? इटली। यहाँ पे खूब सारे रसीले होते हैं, जैसे अंगूर हो गया, संतरा हो गया, ये बहुतायत यहाँ पर मिलते हैं। इसलिए जो अल्कोहल है, जो शराब है, मदिरा है, वो सबसे ज्यादा आपकी इटली में होगा। इसलिए इसको याद रखिएगा, मतलब ये थियोरी भी मैंने पढ़ाया और आप भी थियोरी भी जोड़ पढ़ सकते हैं, और इलानी दुर्गेश के नोट्स में इसका वर्णन भी आपको मिल जाएगा। मेरा सवाल है इटली की राजधानी क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब दीजिएगा। इटली की मुद्रा का नाम क्या है? ठीक, अगला सवाल है आपके सामने, पोत भार तनमान की दृष्टि से विश्व का व्यवस्थम बंदरगाह, टोक्यो जापान, शंघाई चीन, कांडला भारत, सेंझेन चीन। सभी साथी जवाब देंगे। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं लगेंगे, जो यूट्यूब पर देखकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें, फेसबुक पर देख रहे फेसबुक पर शेयर कर दें। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा शंघाई चीन। हम बढ़ते फिर से नए सवाल की तरफ। अगला आपके सामने, निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादन केंद्रों में कौन सा जर्मनी से संबंधित है? पेट्रो, ब्रेडफोर्ड, भूपरताल, सेंट पिट्सबर्ग। प्रश्न नंबर 40 के बाद सभी लोग दीजिएगा, यहां पर होगा भूपरताल। किस एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट, 41,000 सभी को देना होगा। देखिए वातानुकूलन ये पर्यावरण से संबंध है इसका, क्योंकि भैया आप वातानुकूलन की बात करके एसी की बात करें तो एसी का संबंध किससे होगा? एसी से कौन सी गैस निकलती है, वो पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करती है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। केवल एक ही लोग के कमेंट आ रहे हैं, बाकी लोग कहाँ गए, सोने चले गए क्या? तो ये हो गया। गरीबी कम करना गलत है, कागज के थैले का प्रयोग करना ये भी सही है, धारणी विकास ये भी सही है, सतत और धारणी विकास। तो यहाँ पे प्रश्न का उत्तर जो गलत है ना वो गरीबी कम करना, अर्थात सवाल का उत्तर क्या होगा?
रोम। जी हाँ, चलिए अनुज जी, आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं, आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए कदम दर कदम। जी हाँ, जीएसटी इंस्पेक्टर में हुआ है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, प्रश्न नंबर 42 की तरफ। ठीक है, अगला आपके सामने कि एक सवाल है, पलाची माड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था अवस्थित है, ठीक बताइए, सभी लोग बताइए फटाफट कमेंट करके। आप लोग फटाफट कमेंट करिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, फिर सभी साथी कमेंट करिएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट अंदाज में जवाब देते रहिएगा। चलिए यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, आपके साथ मिलकर ही प्रश्नों को, सीरीज को लेकर चलते हैं। यहाँ पर है आपके सामने कि पलाची माड़ा पर्यावरण अपार क्षति कारण चर्चा में रहा, बैलेंस का जवाब सभी लोग दीजिएगा। यहाँ पर होगा आपका, ये केरल में है। कहाँ पर है? केरल में है। पर्यावरण के अपार क्षति कारण परितंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित किस प्रकार के जीव अपघटक, मतलब जीव अपघटक जीव जो है वो अपघटक जीव कहलाते हैं, जीवाणु, कवक, विषाणु। तो यहाँ पे जीवाणु हो गए, कवक हो गए, विषाणु नहीं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, माने जीवाणु व कवक। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जीवाणु और कवक। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर जीवाणु और कवक बताया है, इसका मतलब आपके जवाब पूरी तरह से सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं फिर से एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने एक घास स्थली परितंत्र की, एक घास स्थली पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या होगा, ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है और एक यूनिक सवाल के अंतर्गत ये आता है। तो जितने भी साथी हमारे मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, वे जरूर बताइएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाए, कमेंट करके जवाब देंगे, बताइए सब लोग। चलिए आपके सामने फिर से हम प्रश्न बैंक को लेकर आए हैं, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। यहाँ पर होगा, देखिए, मेढक को घास, गलत, टिड्डा सर्प, सर्प को मेढक, गलत, टिड्डा मेढक घास सर्प, देखिए, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी। मतलब अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया तो आपका जवाब सही है। अगला सवाल आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा कि जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है, तालाब में, वन में, घास स्थल में, शुष्क स्थल में, किस में सीधा रहता है, दोनों प्रश्न आपके अपने आप बन जाएंगे। जी हाँ, अगर जीवभार का पिरामिड की अगर हम बात करें तो किस में उलट जाता है, सभी लोग जवाब दीजिएगा, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, सभी साथी फटाफट अंदाज में जाइए और इस सभी प्रश्न के जवाब दीजिएगा। सभी लोग एकदम सही, आप लोगों ने बताया यहां पर तालाब का। जैव विविधता दिवस कब मनाया, देखिए जैव विविधता दिवस क्या होता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दो होता है, जैव विविधता जो होता है, बायोडाइवर्सिटी दो होता है, एक राष्ट्रीय और एक अंतरराष्ट्रीय। सभी लोग जवाब दीजिएगा कमेंट करके, सभी साथी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, सभी साथी जवाब जरूर दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चारों विकल्प इसका इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या हुई थी, ठीक है, इस दिन कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, जरा बताइए बताइए, जल, पृथ्वी। तो ये सारे दिवस आपको ना रटना होगा सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो। हम बढ़ रहे फिर से नए सवाल की तरफ, भारतीय पक्षियों में कौन सा अधिक संकटपन्न किस्म है, इंडियन सनबर्ड,
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन फैंटेल पिजियन, गोल्डन ओरियोल। देखिए ये पर्यावरण के सवाल चल रहे हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मतलब सवाल का उत्तर हो गया बी। अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष नियुक्त से कौन बनाए गए, ये करंट के सवाल होते हैं, ये हमेशा जब भी प्रश्न आते हैं उस समय आपको अपडेट करके रखने होंगे, ठीक है, सभी को क्या होगा हमेशा आने पर अपडेट करके इसे रखना होगा, ठीक है। अगला सवाल है आपका, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या, ये पर्यावरण के सवाल है और ये रिटर्न में भी आते हैं, खासकर जब हम बात करते हैं सिविल परीक्षाओं के में, जहां पे थियरी के लिए आते हैं, जहां पे जीएस के डिस्क्रिप्टिव होते हैं ना, वहां पे ये बहुत ही कामगार होते हैं। जलवायु परिवर्तन का कारण है प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, ऑल ऑफ दीज। तो 49 का ही होगा, प्रदूषण भी है, ग्रीन हाउस गैस भी है, ओजोन परत क्षरण, मतलब ऑल ऑफ दीज। अगर आप सभी ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया तो जवाब सही है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन संवर्ग नहीं है, राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित वन, ग्राम वन। एकदम हलवा सवाल है, तो याद रखिएगा, तो राष्ट्रीय वन नीति अनुसार निम्नलिखित संवर्ग में क्या है, राष्ट्रीय वन है, संरक्षित वन है, ग्राम वन है, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, इसे बाद में लाया जाता है, इसलिए सवाल का उत्तर क्या होगा, बी होगा, कौन सा वन संवर्ग नहीं है। तो 50 का सभी लोगों ने बी जितने बताया उसका जवाब सही है। हम बढ़ रहे हैं और आगे, ठीक है, किसी को दिक्कत कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। अगला है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, अल्पविकसित है, विकासशील है, विकसित है, पिछड़ी हुई है। जी हाँ, एकदम सही आप लोगों ने बताया, विकासशील अर्थव्यवस्था है। यहां से अब इकोनॉमिक शुरू हो गया आपके लिए। कौन सा टैक्स खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि नहीं करता। प्रश्न को अगर पूरा नहीं पढ़ेंगे ना तो बहुत बार आपसे गलती हो जाएगी। मैंने कई बार आपको बताया कि कभी जब भी पढ़िएगा तो प्रश्न को हमेशा पूरा पढ़ा करिए, तभी जाकर आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। यहाँ पे क्या होगा, देखिए आयकर है, व्यापार कर है, आयात कर है, लेकिन उत्पादन कर नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ए होगा। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। एक सवाल आपके सामने शायद आपको दिख रहा होगा कि राज्य अर्थव्यवस्था, राज्य की अगर हम बात करें तो राज्य अर्थव्यवस्था के निम्न विकास दर के लिए कौन सा कारण नहीं है। सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। बचत में कमी, पूंजी निवेश में कमी, प्राकृतिक संसाधनों में कमी, आधारित संरचना में कमी, लेकिन बचत में कमी नहीं है। यहाँ पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इसकी भी नोट्स आपको लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर मिल जाएगी। देखिए नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके सभी लोग जानकारी ले सकते हैं, सभी नोट्स। गीडा क्या है, बहुत बार ही पूछा गया है प्रश्न, मतलब गीडा का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जाता है। तो यहाँ पर गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, 20 प्रश्न का सही जवाब है, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहा है और आजकल के समय। सभी प्रश्नों की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वैसे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जनवरी 2021 में किस देश के हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का बड़ा बेड़ा तैनात किया गया, काफी यूनिक है और करंट का सवाल है, ठीक है, ये करंट का सवाल है, सीए का मतलब करंट अफेयर का सवाल है, इसलिए इसका उत्तर हम लोग आगे देखेंगे। किस राज्य ने वन स्कूल वन IAS योजना का उद्घाटन किया, ये दोनों करंट के सवाल है, लेकिन ये ऐसे प्रश्न है जो कई बार पूछे जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर डेट के साथ दिया गया है। वैसे इस प्रश्न का उत्तर चीन होगा। यहाँ पर क्या होगा, प्रश्न नंबर 56 के जवाब सभी लोगों को देना है कि वन स्कूल वन IAS यहाँ पर ये केरल का है। हम बढ़ रहे फिर से नए सवाल की तरफ। रेल मंत्रालय ने किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है, सभी लोग जवाब दीजिएगा, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, विक्रमशिला एक्सप्रेस, सत्याग्रह एक्सप्रेस और हावड़ा कालका मेल। सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो यहां पर प्रश्न का उत्तर होगा हावड़ा कालका मेल। विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट दिवस है, सवाल भी आपके परीक्षा में बहुत बार से ट्रेंडिंग रहा है, पूछे जाने का कॉन्सेप्ट रहा है। 58,000 सभी लोग दीजिएगा 20 अक्टूबर को। हम बढ़ रहे फिर से नए सवाल की तरफ। गुरुपद स्वामी समिति संबंधित है महिला सशक्तिकरण से, बाल श्रम से, विकलांगों से, मजदूरों से। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रारंभ की गई, दोनों प्रश्न का जवाब फटाफट अंदाज में देते रहिएगा। तो गुरुपद स्वामी समिति का जो संबंध है ना वो बाल श्रम से है, ये बहुत यूनिक सवाल, इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिए, हूबहू सवाल पूछा जाता है। अगला है कि भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रारंभ की गई थी 50 में, 51 में, 52 में, 54 में, 1952 में। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। हम बढ़ रहे नए सवाल की तरफ। बीमा क्षेत्र की किसी कंपनी में भागीदारी के लिए बैंक की कम से कम कितनी नेटवर्थ होनी चाहिए, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 350 करोड़। तो यहां पर प्रश्न का उत्तर होगा 100 करोड़। बुल एवं बियर शब्द संबंधित है बीमा क्षेत्र से, बैंकिंग क्षेत्र से, औद्योगिक क्षेत्र से, शेयर बाजार से। तो सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। जी नेशनल 29 जून सही जवाब है। प्रश्न का उत्तर होगा शेयर बाजार से।
अगला है आपके सामने, करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग। 63,000 सभी साथी दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पल और देख रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। नरसिम्हन समिति का संबंध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, समिति से भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। बैंकिंग सुधारों से, शेयर बाजार से, वित्तीय समावेशन से, बीमा क्षेत्र से। बैंकिंग सुधारों से। सेबी क्या है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। सेबी का फुल फॉर्म। कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महानबोलिस मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। द्वितीय। इसका समय कब से कब था? सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा, यह पंचवर्षीय योजना का समय कब से लेकर कब तक था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारतीय संविधान के अभियान से भारतीय संविधान शुरू हो गया, और उम्मीद करते हैं जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को पढ़ और देख रहे होंगे वो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से बताएंगे, और संविधान की जो नोट्स है, जो बुक है, वो भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करती है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 38। सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। बहुत यूनिक सवाल है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। जब भी यहाँ पे ये मूल अधिकार है तो 29 होगा ही नहीं, तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर होगा 29। भारतीय संविधान ने समान राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? उसी दिन प्रत्येक वर्ष झंडा दिवस मनाया। झंडा दिवस पूछा जाए ना, झंडा दिवस, झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो झंडा दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। अब इस विकल्प में आपको बताना है कब, तो 22 जुलाई 1947। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी, 1947 में। ठीक है, समझ में आ गया सबको। अगला, कौन सा सुमेलित नहीं है? एकदम इंपॉर्टेंट, सबको याद होगा अनुच्छेद, तभी आप कर पाएंगे। देखिए, असिप्ता 17 सही है, अनुच्छेद 14 समानता, अनुच्छेद 19 समान नागरिक संहिता, ये है आपका अनुच्छेद 44। तो ये गलत हो गया। अनुच्छेद 15 भेदभाव निषेध, 19 क्या है कमेंट करके जवाब दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? सी। किस अनुच्छेद में वर्णित है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? 75(1), 75(2), 75(3), 76। तो 76 होगा नहीं। अब देखिए, उपखंड जिसको याद होगा, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जो लोग डेली क्लास पढ़ रहे होंगे, जो लोग डेली सीरीज में बने होंगे, उनके लिए तो आसान सीरीज होगी, इसलिए मैं बार बार कहता हूं ना। जी हाँ, पिंगाली वगैरह सही जवाब है। अनुच्छेद 3, 75(3), अनुच्छेद 75, उपखंड 3। अगला है, उत्तर प्रदेश किसी नगर का मेयर, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का जो मेयर होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं? वह नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पद सदस्य होता है, कार्यपालिका मशीनरी पर पूर्ण नियंत्रण करता है, गलत। कार्यकारिणी समिति का पद सभापति तो सही है, माने 1, 2 और 4 इस प्रश्न का सही जवाब है। प्रतिदिन क्लास में आप लोग लाइव रहेंगे ना। अगला, भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ही यूनिक इंपॉर्टेंट है प्रश्न, बहुत बार पूछता है, अलग अलग घुमा घुमा के नए नए अंदाज में। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? 72 का जवाब सभी को देना है। उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश, विधि सचिव, विधि मंत्री, यहां पर प्रश्न नंबर 71 सभी लोग जवाब दीजिएगा। जी हाँ, सिन्हा जी, ठीक, रट लीजिए। ये देखा जाए तो उसके बाद ठीक है, यहां पर होगा महान्यायवादी, मतलब यहां पर होगा इस प्रश्न का उत्तर भी डी। तो देखिए आप लोग कितना इंपॉर्टेंट सीरीज हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं और आपके साथ देख रहे हैं। अगला, कौन सा राज्य का अध्यक्ष होता है? एकदम रट लीजिए, बहुत बार पूछा गया है, तो ये बात को उपराष्ट्रपति होता है ना, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 20 का हो गया। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? केंद्र राज्य का संबंध किस अनुसूची में है? सभी लोग जवाब देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर अगर बात करें तो जैसे आपने पढ़ा संघ सूची है, राज्य सूची है, ठीक, समवर्ती सूची है, तो कहां पर है? सातवीं सूची में। अगला आपके सामने, कौन सी भाषा हमारे संविधान की आठवीं सूची में सम्मिलित नहीं? 8 मतलब 2200 भाषाओं का आपको याद करना होगा, डोगरी, कोकड़ी,
मैथिली, अवधि। तो यहां पर अवधि, ठीक है जी हाँ। वाइस प्रेसिडेंट अनुच्छेद 64, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा। ये सभी का स्वागत है, वीडियो को शेयर भी करते रहें, क्षेत्र जो सभी लोग दीजिएगा। राष्ट्रपति के द्वारा, ये भारतीय संविधान के सवाल हैं, सभी को क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, और आगे बढ़े। धन विधेयक कहाँ पुनर्स्थापित किया जा सकता है, राज्यसभा में, लोकसभा में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, उपयुक्त में से कोई नहीं। हम चाहेंगे इस प्रश्न का जवाब सभी लोग दीजिएगा। धन विधेयक की बात किया जाए तो लोकसभा में, राज्यसभा में अगर बात करें जाए तो केवल सुझाव और सलाह के लिए जाता है, 14 दिन के अंदर उन्हें पारित करना भी अनिवार्य होता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है, 5 वर्ष, 6 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रशासन पर्यंत, 6 वर्ष या 65 वर्ष का जो पहले हो। 78 का जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। बताइए 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। इस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त को। ध्यान रहे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भी नहीं, वर्तमान में कौन है कमेंट करके बताइएगा, मुख्य न्यायाधीश कौन है कमेंट करके बताइएगा, महान्यायवादी को है, मुख्य चुनाव आयुक्त को नहीं है। ये तीनों करंट हो गए आपके, कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, महान न्यायवादी कौन है, इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, वर्तमान में कौन, चारों विकल्प को उत्तर आपको देना है। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान किसके क्षेत्र को सीमित किया है, सभी लोग देखिए अनुपजीव लगातार जवाब दे रहे हैं प्रश्नों के, और आप लोग भी जवाब देते रहिएगा। प्रश्न नंबर 80, शून्यकाल, प्रश्नकाल, अल्पावधि, स्थगन। यहां पर इस प्रश्न का उत्तरों का स्थगन प्रस्ताव, डी वालों के जवाब यहां पर पूरी तरह से सही। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर डी बताया तो आपका जवाब पूरी तरह से स्थगन प्रस्ताव। और शून्यकाल क्या है, प्रश्नकाल क्या है, अल्पावधि चर्चा क्या है, स्थगन प्रस्ताव क्या है, ये सब इलनी बी दुर्गेश के नोट्स में आपको मिल जाएंगे। नोट्स आप लोग एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा, जीएचजीके की नोट्स भी इस समय आपको उपलब्ध है, पीडीएफ फॉर्मेट भी उपलब्ध है। अनुच्छेद 88 महान्यायवादी से, अनुप जी सही है, लगातार आप प्रश्न के जवाब दे रहे हैं, बाकी लोग तो गायब हो गए। अवस्थाओं में किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे, अब यहाँ पे देखिए ये साइंस का सवाल है, और मैं चाहूंगा सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। 20% आर्द्रता, 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम, जितनी ज्यादा आर्द्रता बढ़ती जाएगी कपड़े सूखने की कमी होती जाएगी, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो ये तो एकदम गलत है। यहाँ 20, ये 20, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 81 की बात करें, गीले कपड़े जल्दी सूखेंगे तो यहाँ पर ए हो जाएगा, ह्यूमिडिटी कम हो, टेम्परेचर ज्यादा हो, इसीलिए बरसात, ठंडी की अपेक्षा बरसात में कपड़े लेट से सूखते हैं क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है, ये रट लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, वह नियम किसने दिया कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जेसी बसु, न्यूटन, आइंस्टीन, बोहर। वैसे की जगह सभी लोग दीजिएगा, बोहर होंगे नहीं, बसु जी होंगे नहीं, आइंस्टीन न्यूटन में कौन होगा, न्यूटन जी। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है को अंतरिक्ष में भार होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जवाब दीजिएगा एकदम इंपॉर्टेंट। मैं चाहूंगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जवाब सभी लोग दीजिएगा, चाहे इसको फेसबुक पे, चाहे इसे यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे हैं ना, जवाब दीजिएगा, निःशुल्क क्लास है आप सभी के लिए। और टेलीग्राम पर मैं बार बार कहूंगा कि दुर्गेश्वर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश में सभी लोग जुड़िएगा, जिसकी क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर, और इसकी जो पीडीएफ है ना ई लर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक पेज पर मिल जाएगी। न्यूटन का तीसरा नियम सही जवाब है। 83 का जवाब दीजिएगा, बताइए, प्रिया जी ने भी बताया 100 किलोग्राम सही जवाब। वायु दाब मापी या बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आना क्या है, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। इसका मतलब क्या है, मौसमी तूफानी होगा, ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, ये ज्योग्राफी का भी सवाल है, फिजिक्स का भी सवाल है। मरीचिका का बनना किसका उदाहरण है, विवर्तन का, अपवर्तन का, परिक्षेपण का, कुल आंतरिक परावर्तन का,
सभी लोग जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं। कुल आंतरिक परावर्तन का मतलब इस सवाल का सही उत्तर जो है ना वो आपका है डी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया ना तो जवाब है सही। इंडियन गैस एक मिश्रण है। इंडियन गैस कह सकते हैं, अभी देखिए भारत गैस भी कह सकता है, ये गैस का नाम दे दिया। इसका मतलब पता है क्या? ये कहना चाहता है घरेलू गैस। तो प्रश्न पूछने का तरीका देखिए कितना, मतलब ट्रेंडिंग सवाल है। मैं इसलिए कहता हूं ना आप डेली क्लास में बने रहिए, ये ट्रेंडिंग सवाल है। इसका प्रश्न पूछने का मतलब क्या है? यहां ब्यूटेन और प्रोपेन, मतलब यहां पर इस प्रश्न का भी उत्तर क्या होगा? डी। सभी का सब क्लियर है, सबका सही है ना, जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर। प्रसीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है क्या करने में? खाद्य पदार्थ को बर्फ से पर से ढककर एंजाइम क्रिया को नष्ट कर जीवाणुओं को मारकर जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। डी इसका सही है। सबसे भारी धातु है, 88 के जवाब से बिल्कुल दीजिएगा। अस्मियम, लिथियम, लोहा, हीरा। मैं चाहूंगा इस प्रश्न का जवाब सभी लोग दीजिएगा, प्रश्न नंबर 88, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं बताइए सभी लोग कमेंट करके। सभी लोग जवाब जरूर देंगे, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर, आप जहां भी देख रहे हैं ना कमेंट करके बताना है आपको। बताइए प्रिया जी ने डी बताया, देवेंद्र ने ए, त्रिवेणी ने ए, अनूप जी ने ओयस, ठीक है। ऑस्मियम ए। देखिए टाइमिंग भी चल रही होगी ना, कितने सेकंड में प्रश्न के कौन सा जवाब दे रहे हैं, तो आप खुद से भी देखते रहिए, एनालिसिस करते रहिए कि कितने सेकंड में किस प्रश्न का जवाब आप दे रहे हैं। भार के अनुसार H2O में हाइड्रोजन का प्रतिशतता है, एकदम यूनिक सवाल है, मैं बार बार कहता हूं ना एकदम यूनिक सवाल है। 89 के साथ सभी लोग दीजिएगा। 22.22%, 33.33%, 44.44%, 11.1%। रासायनिक रूप से सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। D2O क्या है? नहीं बताइए सभी लोग। 89। जी हाँ, 11.11%। ये वैसे आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। जी हाँ, ये भारी जेल है। वर्षा के पानी जल का पीएच मान होता है, एकदम हलवा सवाल है, पीएच मान से भी सवाल आते हैं क्योंकि शुद्ध होता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 92 का जवाब सभी लोग दीजिएगा। पोलिक एसिड से रक्ताल्पता, विटामिन डी वड़ान्ता, ये गलत है, यही आपका यहाँ पे गलत है। विटामिन B3, पेलाग्रा, विटामिन ए रतौधि, फेलिक एसिड रक्ताल्पता। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। यहाँ पर यही इस प्रश्न का उत्तर होगा बी। आप लोग शेयर कर रहे हैं वीडियो को? नहीं, जो लोग देख रहे हैं जरा लाइव कमेंट करके बताएं वीडियो को, ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक तो शेयर करिएगा और कमेंट करिए चाहे फेसबुक पे या यूट्यूब पे, जहाँ भी देख रहे हैं। अगला है VCG का टीका, VCG का फुल फॉर्म क्या होगा? VCG का फुल फॉर्म क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? जन्म से तुरंत बाद, 7 दिन, 6 माह, 50 दिन। जन्म के तुरंत बाद। VCG का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा, जहां भी आप इसे देख रहे हैं। देश के पहले निजी रॉकेट इंजन रमन का सफल परीक्षण किया किसने? रिलायंस, इंफोसिस, TCS, स्काई रूट एरोस्पेस ने।
एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में लगभग कितना मूत्र का त्याग करता है, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। 1 लीटर, 1.5 लीटर, 1.8 लीटर, 2 लीटर। और ये डिपेंड करता है किस पर, पीने वाले पानी पर निर्भर करता है, मतलब स्वस्थ मनुष्य जितना पानी पीना जरूरी है उसी के अनुपात में ये भी है। ठीक है, अगला। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, पैंक्रियाज, आमाशय। उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है, मेरठ, आगरा, नोएडा, प्रयागराज। देखिए डेली क्लास में कितने लोग लाइव रहेंगे जरा कमेंट करके बताइएगा, ये क्लास प्रतिदिन आप सभी के लिए यहाँ पे लाइव होनी है। और मैं चाहूंगा आप लोग वीडियो को अपने मित्रों को शेयर जरूर किया करिए। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यहाँ पे मेरठ, यहाँ पे छोटी आंत। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं फिर से आपके साथ। पहरिया जनजाति निवास करती, देखिए ये यूपी स्पेशल है, ये आपका यूपी जीके है और मैं चाहूंगा यूपी जीके में बने रही, इसकी थ्योरी भी क्लास आपके लिए आ रही है तो सभी लोग डेली क्लास में बने रहे। पहरिया जनजाति निवास करती है सोनभद्र, मिर्जापुर, पीलीभीत, चंदौली। 98 जगह सभी लोग दीजिएगा। सोनभद्र। निम्न में से कौन सी सुमेलित नहीं है, तीन है और एक नहीं है, तो सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं। कनक भवन अयोध्या, कलिंजर का दुर्ग सोनभद्र गलत, कामतगिरी पर्वत चित्रकूट, जेके मंदिर कानपुर। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी, माने जो गलत है वही आपका सही है। यूपी स्पेशल आपके लिए इंपॉर्टेंट, यूपी स्पेशल की नोट सबको लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप में उपलब्ध है और आप घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं, उसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपसे कहूंगा। आप लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश्वर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से सभी लोग जुड़िएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। जी हाँ, अगर प्रश्न नंबर 100 की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, बरेली, मतलब यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा बी। चुनारगढ़ में अनुपवेदिका जिसकी वे तुलसीदास, वाल्मीकि, भर्तृहरि, रैदास। 101 का जवाब दीजिएगा, भर्तृहरि। अगला उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, लखनऊ, कानपुर, ग्रेटर मतलब नोएडा, प्रयागराज, बताइए सभी लोग फटाफट जवाब दीजिए, कानपुर। अगला, उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग कितनी है, 151%, 155, 153, 140। यूपी स्पेशल है, रट लीजिएगा क्योंकि अभी की बार एक्सीट हमार, 153%, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही यूनिक सवाल है। दादरी, चुनार, चुरक तथा डाला सभी में कारखाने हैं, एल्युमिनियम के, सीमेंट के, कागज के, फर्नीचर उद्योग, जवाब दीजिएगा, सीमेंट उद्योग। डाला, दादरी, चुनार, चुरक ये सब सीमेंट से संबंधित है। भारत में किस राज्य में नगरी घनत्व सर्वाधिक है, पंजाब में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। देखिए जनसंख्या से भी सवाल आपकी परीक्षा में आएगा, सिलेबस में भी है। 105 का जवाब सभी लोग दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। नगरी घनत्व सर्वाधिक है पश्चिम बंगाल में। 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित राज्य, ये सब आपको लेनी भी दुर्गेश के नोट्स में है, मैं आपको बार बार बताऊंगा, इसकी नोट्स पूरा पढ़ लीजिएगा, जो बाद में जुड़े ना वो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे, पूरी वीडियो को देख लेंगे। 106 की बात करें तो यहां पर पुदुचेरी होगा इस प्रश्न का उत्तर, बी, पुदुचेरी। ठीक है, हम बढ़ रहे फिर से नए सवाल की तरफ। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, पूरा आपको याद करेंगे, इसकी थ्योरी की सीरीज सेशन में हम लेकर आएंगे, अगर आप लोग वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर करें।
बिहार। बाद में दशक 2001 से 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर थी 16%, 17%, 17.2, 17.6। 108 का जवाब सभी को देना है, 17.6। सभी लोग फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ देख रहे हैं। ये आज हम लोग कोशिश करेंगे कि 110 सवाल को ही पढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लंबा होता है। कल से हम लोग कोशिश करेंगे और सवाल को पढ़ने का, लेकिन आप लोग डेली क्लास में बने रहेंगे तब। टेलीग्राम पर आप लोग दुर्गेश सर सर्च करिएगा, ई लर्निंग विद दुर्गेश को फॉलो करिएगा। इंस्टाग्राम पे ई लर्निंग विद दुर्गेश और फेसबुक ई लर्निंग विद दुर्गेश है। अगर नोट्स के संबंधित अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लासेस निःशुल्क आप सभी के लिए देशित में राष्ट्रीय मेरे द्वारा है। दक्षिण एशिया में जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है, वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा सभी लोग जवाब दीजिएगा, वृद्ध, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वृद्ध जनसंख्या। कुछ लोग खाली जनसंख्या देख लेंगे और तुरंत आगे बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा श्रीलंका। बहुत ही यूनिक सवाल है। विश्व की लगभग 80% जनसंख्या संरक्षित नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आर्थिक सुरक्षा द्वारा, शिशु सुरक्षा द्वारा, खाद्य सुरक्षा द्वारा, सामाजिक सुरक्षा के द्वारा, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर आप सबको कमेंट सेक्शन में देना है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा के द्वारा, ठीक है। इस प्रकार यहां पर आपके 110 सवाल पूरे होते हैं, फिर हम आपके लिए और सवाल लेकर आते हैं एक एक करके, ठीक है। तो जितने भी साथी मित्र वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं इलर्निंग विद दुर्गेश के पेज को फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और आप चाहते हैं कल भी हम आपके लिए सेशन लेकर आए, क्लास लेकर आए, तो कमेंट करिएगा। आप हमें कमेंट कर बताइएगा 110 में आपकी कितने प्रश्न के जवाब सही हुए। आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट सवाल जो बोलता चलता हूँ तो सवाल भी नोट करिएगा, और आप ये देखिएगा 110 में कितने सवाल सही हुए। इस सेशन को पढ़ने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको अपनी तैयारी के लिए किन किन टॉपिकों को पढ़ना है, कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, किनको किनको छोड़ना है। और ओवरऑल हम डेली जब प्रश्न लेकर आएंगे, डेली प्रश्न बैंक आप पढ़ेंगे, तो आपके ढेर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और फिर से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं डेली ई लर्निंग विद दुर्गेश के लाइव सेशन। तो भैया सारे काम छोड़कर ई लर्निंग विद दुर्गेश के लाइव सेशन, जीएसजी के विविध की जो सामान्य धन की सीरीज है ना, इसके अंत तक बने रहेगा। ये सिलेक्शन वाली सीरीज है, ठीक है। थैंक यू सभी का, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, बाय बाय। सभी लोग फटाफट वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई सवाल, कोई प्रश्न, फेसबुक वाले फेसबुक पर शेयर कर दें। कोई सवाल हो तो फटाफट पूछ लीजिएगा। थैंक यू सभी का, बाय बाय। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जो साथी यूट्यूब पे देख रहे हैं। किसी कोई प्रश्न, कोई सवाल नहीं है ना, कल से आप लोग टाइम से रहेंगे ना सभी लोग, जरा फटाफट बताइए। कल से एकदम टाइम से रहिएगा, तो अपने सभी मित्रों को बता दीजिएगा कि सीरीज चल रही है जीएस की फिर से, और हम फिर से आपके लिए नए प्रश्न लेकर आते हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, ठीक है। प्रिया जी, स्मृति, त्रिवेणी, अनूप, सभी का स्वागत है। स्मृति, बाकी लोग तो भग गए। अनूप जी जो बाद में जुड़े, शुरू से क्लास को देख लें, नीचे देखिए टाइमिंग भी चलती रहती है, कितने सेकंड में कौन से प्रश्न का आपने जवाब दिया है, ठीक। सभी का थैंक यू।